जिंदगी में 5 मिनट निकले वहां में लड़की बोलती कोल्ड कॉफी मैं बनाऊंगा ये लो दोस्त क्या हुआ नीचे नया फंडा चालू हुआ पैटीज को भी खाना ना इस बंदा के चाट जाता था 2 दिन बाद वो चाटा होना मतलब कोई नहीं भाई का ही झूठा है सो हेलो गाइज गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माई चैनल और आज है 25th January और कल है 26th January तो उसके लिए प्रिपरेशन चल रही है प्रिंस के स्कूल में और आज एक्टिविटीज़ कराई जा रही है एंड फ्लैग बनवाया जा रहा है स्कूल में तो ऑनलाइन क्लास पे प्रिंस बना रहा है फ्लैग मैं दिखाता हूँ आपको बहुत ही अच्छा एक एक्टिविटी कराई जा रही है स्कूल की तरफ से तो मैं दिखाता हूँ आपको कितना अच्छे से कर रहा है प्रिंस देखिए प्रिंस बना रहा है फ्लैग और चिपका फटाफट चिपका ट्राई कलर का ऑरेंज ग्रीन एंड व्हाइट प्रिंस आप बहुत अच्छा फ्लैग बना रहे हो वेरी गुड कौन सा कलर है ग्रीन ऑरेंज एंड व्हाइट व्हाइट बीच में है ना ये अभी लगाएंगे पहले ग्रीन ऑरेंज कंप्लीट करो फिर व्हाइट लगाएंगे तो प्रिंस का फ्लैग होने वाला है रेडी ग्रीन ऑरेंज एंड व्हाइट तो अभी प्रिंस का मैं वीडियो भी दिखाऊंगा आपको इस चैनल पर और कल मैं अपलोड करूंगा 26 जनवरी ये बहुत अच्छा वीडियो प्रिंस का बनाया है डांस का और वो आपको ज़रूर से देखना पड़ेगा क्योंकि बहुत प्रिंस ने मेहनत करी है बहुत एनर्जी के साथ डांस किया है और काफ़ी अच्छा वीडियो बनाया है तो वो ज़रूर से देखिएगा मैं कल डालूंगा 26 जनवरी को मॉर्निंग में तो ज़रूर से वो वीडियो देखिएगा तो अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट करने और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में सो मुझे भी मेरे स्कूल के दिन याद आ गए ये देखकर हम लोग डांस करते थे पेट्रियोटिक डांस करते थे और सॉन्ग्स चला के काफ़ी इन्जॉय करते थे 26 जनवरी के दिन स्कूल्स में तो वो दिन याद आ गए और काफ़ी अच्छा लग रहा है प्रिंस फाइनली डांस कर रहा है और ऑनलाइन क्लास पर इनको एक्टिविटीज़ कराई जा रही है काफ़ी मज़ा आ रहा है तो करने देते हैं प्रिंस को कराते हैं थोड़ा डांस और फिर मिलेंगे आपसे तब तक के लिए सो आज हम जाने वाले हैं गुलाब जी की चाय पीने और बहुत ही फेमस जगह है जयपुर की तो आपको लेके चलेंगे चाय पीने के लिए और ये मैं आपको बता दूं कि जयपुर में सबसे फेमस जो चाय मिलती है वो गुलाब जी की चाय है आप कहीं पर भी सर्च कर सकते हैं तो आज हम चलने वाले हैं बनी पार्क और लेके चलेंगे आपको वहाँ पर काफ़ी फेमस प्लेस है जयपुर का तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको वहाँ के नज़ारे तो गाइस ये जो सामने आपको बोर्ड दिख रहे हैं ये कलेक्ट्रेट सर्कल और कलेक्ट्रेट सर्कल से थोड़ा सा आप आगे आएंगे तो आपको गुलाब जी चाय मिल जाएगा यहाँ पर बनी पार्क में अभी हम लोग आए हैं बनी पार्क वाले ब्रांच में और गुलाब जी की चाय आपको दिखाएंगे अभी बिल्कुल कलेक्ट्रेट सर्कल के बिल्कुल पास में ही है अगर आप कभी आना चाहें तो बिल्कुल आ सकते हैं एक बन और मसाला चाय तो मैंने ऑर्डर कर दिया है मसाला चाय और एक बन 50 रुपीज़ में आपको मिल जाएंगे दोनों चीज़ें ये आप लेके आओगे अंदर बैठो कर दिया मैंने ऑर्डर को चाय और बन ठीक है ले जाना अच्छा एक बन तो देखिए यहाँ का नज़ारा ऊपर भी मैं दिखा के आता हूँ आपको तो हमारा चाय और बन आ रहा है ऊपर ही और ये आप देख लीजिए यहाँ का नज़ारा जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि गुलाब जी की चाय बहुत फेमस है जयपुर में और वही चाय आज आ चुकी है गुलाब जी का ब्रांड भी है कप पर आप देख सकते हैं कितना फेमस है ये ब्रांड और इसके साथ मैंने मंगाया है बन तो अभी टेस्ट करेंगे चाय और बन तो स्पेशली आप लोगों के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं
और चाय पी के बताएंगे कैसा है गुलाब जी का टेस्ट। और ये बनीवार ब्रांच है, इसका व्यू मैंने आपको दिखाई दिया है, अगर आप कभी आना चाहें तो बिल्कुल कलेक्ट्रेट सर्कल के बिल्कुल पास में है, गूगल पे आप सर्च करके निकाल सकते हैं एड्रेस और पहुंच सकते हैं इजीली। आप फैमिली के लिए, कपल्स के लिए और आप लोग फ्रेंड्स के साथ भी यहाँ पर आ सकते हैं। काफ़ी अच्छी अरेंजमेंट्स हैं, सिटिंग अरेंजमेंट्स, और काफ़ी बड़ा एरिया है तो आराम से आप यहाँ पर बैठ सकते हैं और गप्पे मार सकते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, और किटी पार्टीज़ के लिए भी काफ़ी अच्छा प्लेस है ये। तो अभी चाय पीते हैं और बन खाते हैं और आपको बताएंगे यहाँ का टेस्ट। सो गाइस, आपको मैं बता दूं कि चाय बहुत ही टेस्टी है, मैंने मसाला चाय ऑर्डर करी है और काफ़ी हॉट है और काफ़ी टेस्टी चाय है, तो सुबह सुबह चाय पीकर मज़ा आ गया। इट्स रियली नाइस, और ठंड में गरम गरम चाय पीने का मज़ा ही अलग है, और साथ में अगर चीज़ बन भी हो तो मज़ा दुगना हो जाता है। तो सुबह सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट यहाँ पर हो चुका है और काफ़ी अच्छा प्लेस है, मौसम भी अच्छा हो रहा है, वेदर क्लाउडी है आज, तो काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं हम चाय। तो गाइज आए थे गुलाब जी के यहाँ चाय पीने और कुछ फ्रेंड्स वगैरह मिल गए, नए नए फ्रेंड्स बने आज यहाँ पर। क्या नाम है आपका? केशव। केशव, हर्षल। तो अभी अभी हम लोग बैठे थे यहाँ पर, तो ये लोग बोल रहे थे कि भैया का कैमरा बहुत अच्छा है, मैंने कहा आप भी आओ और आपका भी वीडियो बनाएंगे। और केशव आप क्या करते हैं? मैं बीबीए कर रहा हूँ अभी तो फिलहाल, और अभी सीएमई का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और आपको? मैं सीए फाउंडेशन हाल फिलहाल। सो अभी ये लोग स्टूडेंट्स हैं और स्टडी कर रहे हैं एंड अच्छे अच्छे गोल्स हैं, मैंने इनसे काफ़ी सारी बात की और थोड़ा बहुत हम लोगों ने एक्सचेंज किया अपना नॉलेज, तो काफ़ी अच्छा लगा मिलकर। और गुलाब जी की चाय कैसी लगती है आपको? अच्छी है चाय, हमारा तो रोज का खाना जा रहेगा। तो सो गाइस, स्टूडेंट्स लोग जो होते हैं वो गुलाब जी के मतलब काफ़ी फ़ैन होते हैं, और यहाँ पर स्टूडेंट्स और कपल्स वगैरह सब लोग आते हैं, फैमिली भी आती है और फ्रेंड्स ज़्यादा आते हैं, क्योंकि यहाँ बैठने की व्यवस्था बहुत अच्छी है और आराम से आपको सब कुछ मिल जाता है, वेटर अपने को चाय काउंटर पे लाके दे देता है और आराम से चाय पियो, गप्पे मारो और फ्रेंड्स के साथ मस्ती करो। एक बच्चा गया, मतलब मेरा था दोस्त, जिंदगी में 5 रुपए निकले, वहाँ पे लड़की बोलती कोल्ड कॉफी, मैं बोला भाई ये लो 200। ये ना देखिए ऐसे बच्चा ही है। ये हैंकी बांध के गया था पहले, हम देखो इसका एक वीडियो है, ये पहले बिना मास्क के घुमा के आया, ये पहले बिना मास्क के घुमा के आया फिर हैंकी बांध के गया। अरे पहले का हां या अभी का? ये मतलब हमारे 11th का। अरे बच्ची कैंटीन में क्या, कैंटीन में भीड़। मेरे एक दोस्त आते थे ऐसा, एक तो लंबा चौड़ा जिम वाली बड़े, बोला ऐसे नंबर नहीं आया, बोला ऐसे पोस्चर बना के रखता था और यू कर देता था भीड़ के ऐड। अरे क्या हुआ, नीचे नया फंडा चल रहा है कुछ भी खाना ना, एक बंदा के चाट जाता था, 2 दिन बाद चाटा होना, बोला कोई नहीं भाई का ही छुट्टा है। स्कूल में यही होता था यार, यही तो स्कूल खींच लिया, बोले खा जाते थे लोग, खाली करके रख दिया, लंच टाइम तक तो टिफिन नहीं रहते थे। रहते नहीं थे। और बच्चों ने टाइले तोड़ दी थी जमीन की। अरे क्या भाई, एक टाइले टूटी, अब क्या राम मंदिर का सीन चल रहा है, बोले राम मंदिर बनाएगा, सारी टाइल उखाड़ दी, स्कूल वाले झंडू दोबारा टाइल नहीं सीधा सीमेंट ही लगाया, बोला सीमेंट आप तोड़ो तुम लोग। पहले तो यार बमन फोड़ देते थे वाली। अरे बच्चों ने मतलब बच्चे क्या करते थे, यहाँ पे कैमरा, बच्चा गया कैमरा यू घुमाया, अब मास मतलब कैमरा घुमाने के बाद लगा दे मास भाई पार नहीं याद आ रहा, बोले ओ मैं देखो फिर ये हैंकी बांध के क्या फिर घुमाने पार, फिर इंस्टाग्राम पे स्टोरी डाल दी अगले साल, अगले बेटा ये स्टोरी पर डाला करे एक कर दू अगले दिन। चलो ठीक है, सो गाइस अभी हो गया है वापस चलने का टाइम और बाय बाय कर लेते हैं, नए फ्रेंड्स मिल गए आज, थैंक यू यार, थैंक यू यार, मिलते हैं फिर कभी है ना, ब्लॉग्स पे आप करते रहना लाइक कमेंट, ठीक है चलते हैं अभी बाहर। सो गाइस चाय हम लोगों ने पी ली है और कुछ फ्रेंड्स नए बन भी चुके हैं यहाँ पर, तो
चाय काफ़ी अच्छी थी, मन भी बहुत अच्छा था एंड काफ़ी मज़ा आया यहाँ पर आकर। बहुत अच्छी जगह है, आप भी आ सकते हैं। कलेक्ट्रेट सर्कल के बिल्कुल पास में है गुलाब जी का चाय, और काफ़ी सारी ब्रांचेज हैं जयपुर में इनकी। मेन ब्रांच जो है वो गणपति प्लाजा के बाहर है, और यहाँ पर वहाँ पर बैठने की थोड़ी कम जगह है, बट यहाँ पर इन्होंने नई ब्रांच ओपन करी है जो कि बहुत अच्छी है और बहुत बड़ी है। तो आप आराम से आ सकते हैं और बैठ के यहाँ पर अपने फ्रेंड्स के साथ गप्पे लड़ा सकते हैं और फैमिली के साथ आ सकते हैं। तो आइए यहाँ पर और गुलाब जी की चाय का मज़ा लीजिए। चलते हैं अभी घर और फिर मिलते हैं आपसे थोड़ी देर। सो गाइस अभी आ गए हैं हम लोग घर पर, और प्रिंस आते ही घर में कुछ बोलने लग गया। क्या बोल रहा है प्रिंस? हाँ वो लाना था क्या आपके लिए? हाँ। ठीक है, वो लेके आएंगे आपके लिए। तो प्रिंस बोल रहा है कि वो बलून जिसमें से निकलते हैं ना, वो फूर करके निकालते हैं जिसमें वो कुछ पानी होता है उसमें से बलून्स निकलते हैं फूक मारने से, तो वो शायद प्रिंस का रखा होगा, वो दे देंगे प्रिंस को। अभी शायद बेटा ऊपर रखा है तो अभी देखते हैं अलमारी में। ठीक है, उसको चेक कर लेंगे, वो खराब होगा तो आपके लिए दूसरा ला देंगे। ओके, हाँ देखता हूँ मैं अगर रखा होगा तो। ठीक है ठीक है, तो प्रिंस के लिए देख लेते हैं वो रखा है क्या, अदरवाइज नया लेके आएंगे प्रिंस के लिए। सो अभी हम देख रहे थे प्रिंस का, वो मैंने ढूंढ लिया है और मिल गया प्रिंस का फू करने वाला। प्रिंस करके दिखाओ, वाओ इसमें तो फैन चल रहा है। और अच्छे से करो, लो मैं चला के बताऊं। तो इस तरह से इसको चलाया जाता है और इसमें से बलून्स भी निकलेंगे। अभी प्रिंस बलून चला के दिखाओ। दिखाना। लाओ मैं खोल के दूं आपको। मैं खोल दूंगा क्या? ओह वाओ, फिर करो। ओहो वाओ। सो गाइस जैसा कि मैंने आपको सुबह बताया था कि मैं मॉर्निंग में जिम नहीं जा पाया था क्योंकि मैं लेट हो गया था, तो अभी इवनिंग में चलते हैं जिम और थोड़ी देर जिम में वर्कआउट करके आएंगे। शूज़ वगैरह पहन लेते हैं फिर चलते हैं जिम सीधा, और जिम में चल के थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो शूज़ मैं पहन लेता हूँ और शूज़ पहन लिए, चलते हैं अब जिम। गाइस जिम हो गई है कंप्लीट और अब चलते हैं घर पर, एंड 1 आवर कर ली मैंने, भूल तो रहा था हाफ एन आवर करेंगे, बट ऑलमोस्ट 1 आवर की एक्सरसाइज हो गई है कंप्लीट। अब सीधा चलते हैं घर पर, पसीने आ रहे हैं, स्वेटिंग काफ़ी हो गई। सो गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं गया था तब तो जैकेट दूसरी पहन रखी थी और अभी जैकेट दूसरी है, तो एक्चुअली कल मॉर्निंग में मैं जिम गया था तब भूल गया था जैकेट वहीं पे, तो अभी दो जैकेट डाल के आया हूँ। तो अभी चलते हैं सीधा घर पर और मिलते हैं आपसे थोड़ी देर में, तब तक के लिए। सो गाइस डिनर हो गया हमारा रेडी, और आज है डिनर में पराठे और लहसुन की चटनी। कहीं के पराठे? आई थिंक मिक्स पराठे, दाल एंड मेथी के पराठे। और सर्दी बहुत तेज़ हो रही है जयपुर में, तो पराठे रोज़ रोज़ बन जाते हैं घर में, क्योंकि ठंड में एक ही इलाज है, अच्छा खाओ और अच्छा पियो तो ठंड थोड़ी कम लगेगी। तो ये है गरम खाना और खाएंगे अभी, एंड
वीडियो को यहीं कंप्लीट करते हैं। आज का वीडियो कैसा लगा आपको ज़रूर से बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। आप एक कमेंट करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब तो ज़रूर से करिएगा प्लीज़। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।